जी हाँ दोस्तों, आखिर कितने करोड़ के मालिक हैं सलमान खान, इनकी कुल संपत्ति कितनी है, आज अपने इस वीडियो में यही बड़ा खुलासा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बताया दोस्तों, बॉलीवुड में यूं तो तीन खानों की गिनती होती है जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरता है वह है अपने भाईजान सलमान खान। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत जी का केस सामने आया, तब से सुशांत सिंह राजपूत जी के केस के बाद से सलमान खान के जो फैंस उनसे प्यार करते थे, अब वही प्यार नफरत में बदलते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी को बताया दोस्तों, सलमान खान के पास भारत के अलावा विदेशों में भी घर हैं। विदेशों में अगर बात करें घर की, लेकिन उससे पहले बात करें इनकी संपत्ति की, तो सलमान खान की कुल मिलाकर संपत्ति बताई जाती है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक $200 मिलियन यानी 1480 करोड़ की संपत्ति के अकेले मालिक है सलमान खान। जहां इनकी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई और अपना जीवन अकेले ही बिता रहे हैं, कुंवारी की तरह लाइफ बिता रहे हैं। आप सभी को बताया दोस्तों, सलमान खान के नोएडा, दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों में हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ है। साथ ही पनेवाल के गाँव में वाजे स्थित है अर्पिता फार्म हाउस, जिसका नाम सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के नाम पर रखा है। मुंबई घर गैलेक्सी अर्पिता के नाम पर रखा है। उसके बाद ही हम देखने मिलता है किस प्रकार से मुंबई घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस घर की कीमत 114 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 114 करोड़ की। आप भी जान गए होंगे दोस्तों किस प्रकार सलमान खान जी अपनी फिल्मों, टीवी सीरियल जो होस्ट करते हैं उनसे कितनी कमाई करते हैं, अब उसको भी लोग लेकर बड़ा खुलासा करते हैं। प्रॉपर्टी के अलावा सलमान खान की कमाई के साधन भी काफ़ी सारे हैं, कई चीज़ों में भी इन्होंने हाथ डाल रखा है। फिल्मों के अलावा सलमान खान के पास बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आती हैं विज्ञापन करवाने के लिए, जिससे सलमान खान करोड़ों की कमाई करते हैं लगभग हर साल। बताया दोस्तों, साथ ही सलमान खान टीवी के कई सारे शो को भी होस्ट करते हैं जैसे 10 कदम, बिग बॉस। इनसे इनकी कमाई कुल मिला के हो जाती है 130 करोड़ रुपये के आसपास। यानी कुल मिलाकर अगर फिल्मों और टीवी सीरियल से होस्ट और एडवर्टाइजमेंट मिलाकर देखा जाए, सलमान खान की कुल मिलाकर कमाई हो जाती है 250 से 300 करोड़। उसके बाद दोस्तों, अब इन्होंने ये काम नया शुरू करा है कि ज़्यादातर फिल्मों में अपने ही पैसे लगाते हैं, और जब फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो उसके बाद जो इनकी अर्निंग होती है उसमें 80% तक हिस्सा कहीं ना कहीं इनका होता है। जैसे कि अगर फिल्म ने 500 करोड़ कमाए तो 500 करोड़ कम से कम 80% आप निकाल लीजिए, बाकी 20% फिल्म मेकर्स को मिल जाते हैं। लेकिन सलमान खान अब अगर एक फिल्मों की बात करें तो कम से कम 50 करोड़ तक फीस लेते हैं अगर फिल्म में ये खुद नहीं प्रोड्यूस करते, अगर प्रोड्यूस करते हैं तो सारी लगभग कमाई इनकी जेब में ही जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए, सलमान खान महंगी गाड़ियों के भी काफ़ी शौकीन हैं। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज़, रॉयल्स रॉयस, वेंटले और ऑडी जैसी कई गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी कुल कीमत 28 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बताई जाती है। शाहरुख खान भले से ही बॉलीवुड के बादशाह हों, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान बॉलीवुड के सुल्तान है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप सभी को जानकर काफ़ी हैरानी हुई होगी दोस्तों, कितने सारे करोड़ के अकेले मालिक हैं, लेकिन इनकी अभी तक ना कोई संतान है ना कोई बीवी है, ये अभी तक कुंवारे हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरी रही होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।